राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बन्ना ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ एक शॉप पे आकर्ष के लिए कपड़े लेने। तो ये किस चीज़ का ब्लॉग है बहुत जल्दी आप लोगों को पता चलने वाला है। तो मैं आगे वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा गाइस। तो यहाँ पर मैं पहुँची हुई हूँ जनरल न्यू शंकर जनरल स्टोर पर। तो यहाँ पर मैं राखी कलेक्शन बहुत अच्छा आया हुआ है, तो राखी चल रही थी तो मैंने राखी की शॉपिंग की, और राखी के लिए बहुत सारे सीरीज वगैरह मैंने लिया है। बहुत ही अच्छी शॉप है। तो यहाँ से मैं अब नीचे जाऊँगी काउंटर पे। तो गाइस, अभी ये है हमारे आकर्ष का बर्थडे ब्लॉग्स है, तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, बर्थडे विश जरूर करिएगा, लेट ही सही पर विश जरूर करिएगा, आशीर्वाद अपना भर भर के दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ केक लेने। मैंने केक दिया हुआ था ऑर्डर पे, तो हमारा केक रेडी है फाइनली। और हमारा क्रिकेटर बॉय आकर्ष का केक है, तो ये क्रिकेट का ये रसमलाई केक मैंने ऑर्डर दिया था, क्योंकि हमारे शेड्यूल में रसमलाई केक नहीं बना के रखते हैं, ऑर्डर पे ही बनाते हैं। तो फाइनली लुक अभी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये है हमारे आकर्ष का केक। तो कैसा लगा केक कमेंट करके भी बताइएगा, मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट था केक का। तो गाइस, अभी हम लोग घर जाएंगे, पैकिंग हमारी हो जाए, फिर इसके बाद हम लोग घर निकलेंगे। घर निकलेंगे तो घर में भी बहुत सारे अभी काम है, फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे फूड रेस्टोरेंट। तो स्वागत है, जय श्री कृष्ण, राधे राधे आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जब भी मेरी कोई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो प्लीज़ गाइस, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा। तो गाइस, आज मेरे आकर्ष का बर्थडे है, तो मैं बर्थडे ब्लॉग बना रही हूँ। और ये आप सोच रहे होंगे कि मैं हाथ से क्या ली हुई हूँ, तो ये है मेरा हेयर ड्रायर। तो इससे मैं कंघी लेके, स्ट्रेटनर नहीं है मेरे पास, तो मैं कंघी लेके हेयर ड्रायर से सीधा कर लूँगी हेयर को। बहुत मैं इसका वीडियो बना दूँगी कि कैसे मैं करती हूँ, या फिर मैं इसी में थोड़ा सा दिखा दूँगी। तो हम लोग चलते हैं रेडी होने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी के कपड़े निकाल दिए हैं, ये मेरे कपड़े निकल चुके हैं, ये आयुष के कपड़े मैंने निकाल दिए हैं रेडी होने के लिए, और ये हमारे बर्थडे बॉय आकर्ष का कपड़ा रेडी है। तो अभी ये मैं क्लीन करूँगी फेस को, और ये मेरे सारा रेडी शेडी होने का सामान है। तो मैं अभी रेडी होऊँगी सारा फिर आप लोगों को दिखाती हूँ गाइस कि मैं कैसे रेडी हो रही हूँ। और तो गाइस, मैंने इसके बारे में बताया था आपको, तो जानकारी कैसे लगी है कमेंट में बताइएगा। एंड मैं बहुत लो टेम्परेचर में करती हूँ ताकि बाल को कोई नुकसान ना हो और इजीली तरीके से बाल स्ट्रेट भी हो जाए। तो ये मेरा घर में करती हूँ, शॉर्ट्स बनाती हूँ, कभी भी कुछ भी कहीं भी जाती हूँ तो मैं जल्दी से ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ, तो बाल मेरे ऐसे ही स्ट्रेट हो जाते हैं। तो मैं यही तरीका अपनाती हूँ इजीली तरीके से कंघे से। और ये थोड़ा सा अब मैं जा रही हूँ मेकअप करने फाइनली, तो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी, बेटे का बर्थडे है तो बहुत ही लाइट वेट मेकअप है मेरा। तो आपको फाइनली लुक देखने को मिलेगा, कमेंट करके बताइएगा कि मैंने कैसे रेडी हुआ है। तो अभी मैं फ़िलहाल फाउंडेशन लगा रही हूँ। अभी हम लोग जल्दी, बहुत लेट हो गया था, वैसे लाइव चल रही थी तो लाइव के कारण थोड़ा लेट हो गया है, तो मैं जल्दी से रेडी हो गई। तो बताइए कैसे मैं रेडी हुई हूँ। तो फाइनली मैंने बहुत सिंपल तरीके से रेडी हुआ है, अब हम लोग जाएंगे। तो हैप्पी बर्थडे आकर्ष। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं, ताला मारेंगे, जाएंगे, बैठ यहाँ पे अंधेला है। और अभी हमारे घर में मालिक जी हमारे ताला मार रहे हैं अभी घर में, बस वेट कर रहे हैं जल्दी से आ जाए। आयुष, तो यहाँ पे हमारा डिसाइड हो रहा है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि गप सप तो हम हर बार जाते हैं। तो इस बार हम लोग सोचे कि करीम्स रेस्टोरेंट जाते हैं, तो फर्स्ट टाइम था लेवल वन में, तो अच्छा था, फर्स्ट टाइम में गई थी तो अच्छा लगा वहाँ पे भी मुझे, तो अच्छा हम वहाँ पहुँच चुके हैं। अब ये हम लोग लिफ्ट में चढ़े हुए हैं, तो ये लिफ्ट जब गोल गोल घूमती है ना तो मेरे को बहुत तेज़ से चक्कर मारता है जब रुकती है। तो अभी तो इंजॉय कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है, तो एंड तक जरूर वीडियो को बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को, मारा ना चक्कर। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमारा बाहर का ये ओपन एरिया है, तो काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे वीडियो शूट वगैरह चल रहे थे दुल्हन वगैरह का। तो यहाँ पे हम लोग भी पहुँच चुके हैं, अब हमारा ऑर्डर देंगे और केक कटिंग करेंगे, तो वीडियो को देखिएगा जरूर, इंजॉय करिएगा। बच्चों ने मुझे बंद कर दिया था अंदर, होटल है ये, फंस गए, ताला है तो।
तो यहाँ पे हम लोग खाने का ऑर्डर दे रहे हैं अभी, और खाने का ऑर्डर देने के बाद हम लोग केक कटिंग कर रहे हैं। तो इस दिन का इंतज़ार बहुत बेसब्री से रहता है और साल में एक बार आता है तो बहुत खुशी होती है। तो फाइनली ये खुशी हमारे आकर्ष की कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग खाना खाएंगे। तो अभी कैसे लाइक कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा प्लीज़ फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है चिली पनीर और हम लोग खा रहे हैं चिली पनीर। इसके बाद हम लोग खाएँगे खाना। अभी हम लोग यहाँ पे हमारा पिज्जा बर्गर आएगा, तो वो आकर्ष उठा रहा है काफ़ी चीजी पिज्जा था भाई, मज़ा आ गया खा के। तो काफ़ी अच्छा था यहाँ का भी खाना वगैरह, पर हाँ खाना अच्छा था पर बिल भी अच्छा बनता है। तो यहाँ पे हम अब तो मैं थोड़ा सा खाने का भी ब्लॉग बना ली हूँ। यहाँ पे खाना खाने हम लोग पहुँच चुके हैं, पर ज़्यादा भूख थी नहीं, थोड़ा सा खाया है मैंने क्योंकि भूखी नहीं थी, वो सब चाइनीज आइटम से ही मेरा पेट भर गया था। तो ये लोग खा रहे हैं सब कोई सब्जी रोटी। तो फाइनली गाइस कैसे लगे वीडियो, बर्थडे ब्लॉग का वीडियो कैसे है कमेंट करके बताइएगा प्लीज़ गाइस। फिर से बोल रही थी यहाँ पे मुझे मिल गया है गरम पानी और नींबू हैंड वॉश के लिए, मतलब जो होता है ना चिकनाई लग जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। सारा निकल गया। तो गाइस यहाँ पे हम लोग सब कुछ कंप्लीट हो गया, वीडियो शूट वगैरह वीडियो बन गया सब कुछ हो गया। अब हम लोग फाइनली घर जा रहे हैं। तो जब हम लोग को जाना होता है ना तो सबसे पहले यही डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। अब जब हम घर जा रहे हैं तो हमें कोई डिसाइड नहीं करना कि हमें कहाँ जाना है, तो सीधे अब हम लोग घर ही जाएंगे, रास्ते पे कहीं पे नहीं रुकेंगे। तो यहाँ पे रात का टाइम है, नाइट का टाइम है, तो बहुत ही मज़ा आता है बाहर ओपन एरिया में घूमने में, मज़ा ही हो जाता है। पर ज़्यादा दूर की रास्ता ही नहीं थी, कुछ 10-15 मिनट की रास्ता थी, इतने में पहुँच गए थे। हालाँकि मुझे गाड़ी सूट नहीं करती है, पर थोड़ी बहुत गाड़ी सूट करती है तो मैं इंजॉय कर लेती हूँ गाड़ी में, नहीं तो मैं तो बाकी टाइम तो मैं मतलब बेहोश रहती हूँ अगर लंबा टूर रहता 3 घंटा। तो गाइस वीडियो देखने के लिए एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच एवरी।